हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको मिल्क पाउडर से मिठाई बनाकर दिखाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक कढ़ाई अपनी गैस पर रख ली है और अब मैं अपनी गैस को ऑन कर लूँगी और इसमें डालूँगी एक गिलास दूध। तो देखिए, ये मैंने इसमें एक गिलास दूध डाल लिया है और अब आपको इसमें डालना है 3 से 4 चम्मच देसी घी। तो देखिए, मैं इसमें 4 मीडियम चम्मच घी के डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई में दूध डाल दिया है और इसमें चीनी और इसमें 3 से 4 चम्मच घी के डाल दिए हैं और अब हम लेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर। तो देखिए, ये मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है जो कि मैं इसमें ऐड कर लूँगी और अब मैं इसे अपने दूध के अंदर अच्छे से मिला दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहो तो इसे पानी में मिला के भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसे वैसे ही डाल दिया है। अब मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये फूड कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें ज़्यादा फूड कलर की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ज़रा सा फूड कलर काफ़ी अच्छा कलर कर देता है। ये आपको किसी भी नॉर्मली दुकान से मिल जाएगा, आप परचून की दुकान से कहीं से भी लेकर आ सकते हो। तो अब मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन यह लड्डू अगर एक बार आप बनाकर खाएंगे तो आपकी फैमिली के हर मेंबर को बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हो इसकी कंडीशन थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे मैं इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए। बस फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है। आप इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे तो आपकी है मिल्क पाउडर दूध नीचे की तरफ लगेगा नहीं और आपके लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनकर तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसे 10 से 15 मिनट तक इसी तरह हिलाते रहना है। यह है बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है, क्योंकि आप अगर दूध भून कर मिठाई बनाएंगे तो उसमें आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। बाकी दूध की क्वांटिटी भी देखी जाती है कि दूध आपके पास कितना है, लेकिन दूध की मिठाई बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको ये फटाफट मिल्क पाउडर से बनाकर दिखा रही हूँ। मिल्क पाउडर से बहुत ही जल्दी बन जाती है आपकी मिठाई भी, और जो ये लड्डू मैं बनाकर दिखा रही हूँ ये भी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है जब तक यह आपका डो टाइट नहीं हो जाता, मिठाई की कंडीशन में नहीं आ जाता। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। 10 से 15 मिनट में आपका ये डो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। यह हमारा जो मिल्क पाउडर वो अच्छे से पक भी जाएगा और यह बिल्कुल मिठाई जैसे कंडीशन में आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपको इसे हिलाने से बिल्कुल नहीं रुकना है, अगर आप इसे हिलाना बंद कर देंगे तो नीचे की तरफ लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई खानी है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि मेहनत करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है खाना। इस मिठाई में आप जितनी भी मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होगी। तो जैसे कि आप देख रही हैं, मैं इसे इसी तरह हिलाती जा रही हूँ, आपको इसे इसी तरह हिलाते ही रहना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यह बिल्कुल मिठाई की कंडीशन में तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा डो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी पतला है, लेकिन ये डो बिल्कुल मिठाई की कंडीशन में तैयार हो चुका है। अभी हम इसे फैलाकर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी कट जाए। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है अपनी चम्मच की सहायता से।
और मैंने इसके ऊपर घी डाल लिया था, इसलिए यह चम्मच पर बिल्कुल नहीं लगा है। आप देख सकते हो हमारी चम्मच भी बिल्कुल साफ़ है, तो आप इस पर एक बार घी ज़रूर लगाएं थोड़ा सा। तो देखिए मैंने इसे फैला लिया है अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर लगाऊंगी अब थोड़ा सा सिल्वर फॉइल, ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी इसका स्वाद और बढ़ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, वरना रहने दीजिए। आप इसे ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर सिल्वर फॉइल लगा लिया है, और अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इस पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है। जो भी आपके पास घर पे ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, वहीं आप इसे गार्निश के लिए इसके ऊपर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी मिठाई काफ़ी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे कट करेंगे। कट आप इसे किसी भी एंगल पर कर सकते हैं। मैं आज इस तरह का एक कटर ले रखा है मैंने, अगर आपके पास हो तो ये कटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे चकूटा भी काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी कटर से इसे कट करके दिखाऊंगी। इससे हमारी मिठाई का शेप तो अच्छा आएगा ही, साथ में हमारे बच्चे भी बड़े खुश होकर खाएंगे, क्योंकि उन्हें स्टार बहुत पसंद रहते हैं। और इसे कट कर लिया है, आप देखिए। अब मैं अपनी मिठाई को नीचे की तरफ निकाल लूँगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसका कितनी अच्छी शेप आई हुई है। तो इसी प्रकार मैं अपनी सभी मिठाइयों को कट कर लूँगी। तो देखिए, दूसरी को भी मैंने इसी तरह कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी मिठाइयों को हमें इसी प्रकार कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सभी मिठाइयाँ कट कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर एक एक बादाम लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मिठाइयों पर कितनी अच्छी तरह अपने बादाम लगा दिए हैं, आप देख सकते हो। यह दिखने में जितनी अच्छी दिख रही है, उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी ये मिठाई कैसी लगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।